नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे धूप बत्ती बनाने की मशीन हम घर पर कैसे बना सकते हैं। ठीक, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, यह जो मशीन होता है नमकीन बनाने का, हम इसी तरीके से धूप बत्ती बनाने की मशीन बनाएंगे। ठीक, और वह आप बहुत कम खर्चे में आप घर पर बनाकर और धूप बत्ती का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसका जो प्रीमिक्स होता है मैं उसका अगला वीडियो बना दूंगा, कैसे आप लोग उसका प्रीमिक्स बना सकते हैं। ठीक, प्रीमिक्स मतलब उसका मसाला, जो उसका रॉ मटेरियल होता है, बस आपको उसमें पानी आपको मिलाकर उसे हल्का गूथ लेना है। मैंने बहुत ज़्यादा उसमें पानी नहीं मिलाना है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद आप इसी मशीन से धूप बत्ती बना सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए, पहले आपको क्या करना है, आपको जो यह नल का पाइप आता है वो आपको ले लेना है 1 फीट। ठीक, 1 फीट आपको नल का पाइप ले लेना है। ध्यान से आप देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। 1 फीट आपको नल का पाइप लेने के बाद, आपने 1 फीट आपने जैसे नल का पाइप ले लिया, अब उसके बाद आपको यहाँ पर होल करना है। ठीक, 1 फीट आपका नल का पाइप हो गया और आपको यहाँ पर होल करना है, और इसके आगे आप एक लोहे का मजबूत चद्दर आपको लेना है और उसमें आपको एक, आप जितना मोटा धूप बत्ती बनाना चाहते हैं आपको उतना मोटा एक पाइप ज्वाइंट कर लेना है। ठीक, और ज्वाइंट करने के बाद में इसे आपको इस वाले सिरे पर, इस मुंह पर आपको इसे लगा देना है, इसे आपको एकदम ज्वाइंट कर देना है। ठीक, यह हो गया, और इसे आपको एक मजबूत लोहे का, जैसे आपको एक, आपने 1 फुट का पाइप लिया है तो आप मजबूत लोहे का एक चद्दर लेंगे, उस पर आपको इसे ज्वाइंट कर देना है। ठीक, ज्वाइंट आपको इतना ही करना है, जैसे यह चद्दर हो गया, मान लीजिए यह चद्दर हो गया, यहाँ पर आपको इसे पूरा ज्वाइंट कर देना है। ठीक, उसके बाद आप इसे, जब इस पर आप ज्वाइंट कर लेंगे और उस पर आपको यहाँ पर होल बना देना है। ठीक, यहाँ पर उसे होल बना देना है चद्दर पर, और चद्दर इसका यह हो गया, होल इसलिए है कि आप इसे किसी भी मेज पर या कुछ भी ऊंचा चीज हो उस पर आप यह आसानी से कस दें उस पर। ठीक, और यहाँ से जो आपका यह निकलेगा, यह मान लीजिए होल हो गया। ठीक, यह आपका जहाँ से निकलेगा इसका मुंह, मैं इसे पहले आप फिक्स करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए जुट गया, ठीक, ये उस पर हो गया ज्वाइंट, और यहाँ पर आपको एक लोहे का चद्दर और लगाना है जिससे जो धूप बत्ती बने उस पर ही बने, और उसके बाद आप यहाँ से उसे काट लेंगे। ठीक, अभी मैं आपके सामने पूरा दिखाऊंगा। ये हो गया, अब आपको ले लेना है एक मजबूत बोल्ट, बहुत ज़्यादा मजबूत हो। आपने 1 फुट का पाइप लिया है तो आपको 1 फुट से थोड़ा बेसी ही मजबूत बोल्ट लेना पड़ेगा। ठीक, और आप इसी तरीके से जैसे यह बना है उस पर आप एक हैंडल लगा लीजिए, और यहाँ पर जैसे जैसे यह हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इसे आपको जो मजबूत बोल्ट मिलेगा उसके साथ नट रहेगा, उस नट को यहाँ पर आपको उसे ज्वाइंट कर लेना है। ठीक, यहाँ पर उसे ज्वाइंट कर लेना है। आप इस चद्दर को यहाँ तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक बढ़ाएंगे, इस चद्दर पर ही उसे इसे साइज में रख कर एकदम ज्वाइंट कर लेना है। ठीक, ज्वाइंट आपको ऐसे करना है कि आप यहाँ जब आप हैंडल को
घुमाएंगे तो इसमें यह आसानी से एडजस्ट हो जाए। ठीक, समझ में आ गया। जब आप हैंडल को घुमाएंगे तो यह उसमें जाएगा, उसके बाद यहाँ से प्रेस बनेगा। ज़्यादा प्रेशर बनने से यहाँ पर धूप बत्ती बनकर आराम से निकल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। और आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर लिए हैं, और उसके बाद जब यहाँ से आप हैंडल को घुमाएंगे तो यह धीरे 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 दबेगा। ठीक, और यहाँ से आपका धूप बत्ती बनकर निकलेगा। देखिए यह है प्रीमिक्स, मैंने खुद बनाया है। ये अगला वीडियो में बनाऊंगा कैसे आपको प्रीमिक्स बनाना है। तो अब बात कहाँ, मान लीजिए आपने यहाँ आपने यह हो जैसे ज्वाइंट हो गया। ठीक, और इसके बाद आपको ये यहाँ जो होल है इस पर आपको एक चोंगा बनाना होगा, उसी से यह रॉ मटेरियल अंदर जाएगा। ठीक, मान लीजिए आपने डाल दिया रॉ मटेरियल, और उसके बाद आपने थोड़ा हैंडल घुमाया, फिर आपने हैंडल को बाहर निकाला, फिर आपने थोड़ा डाला, जिससे यह पूरा जब तक भर ना जाए। जब भर जाएगा उसके बाद आप यहाँ से अपना और इसका एक फार्मूला और आप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक जो होता है, जैसे आपको होता है जो मौसम्बी गारने वाली मशीन या जो होता है तेल मिल, उसी टाइप का अगर आपको धुर्रा मिल जाए जिस पर वह चूड़ी बना रहता है, तो वह तो और बढ़िया रहेगा। वो आपको मिल जाएगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको ऐसे उसे ज्वाइंट कर लेना, यहाँ से आप डालिए, वो ऑटोमेटिक वहाँ तक पहुँचाता रहेगा। लेकिन वो मिलेगा नहीं इस साइज का, इसीलिए मैंने यह फार्मूला आपको बताया है। ठीक, यह तरीका। अब यह मान लीजिए आपने इस होल से पूरा अंदर हो गया। ठीक, जब आपका पूरा भर जाएगा तो यहाँ से जब आपको उसे जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक वह बनकर धूप बत्ती निकलेगा। ठीक, यहाँ से जब दबाव बनेगा, देखिए जब यहाँ से दबाव बनेगा तो आपका देखिए धूप बत्ती बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जब यह एक रहेगा चद्दर लोहे का लगा रहेगा, तो उस पर यह धीरे धीरे सरकेगा। ठीक, और उसके बाद आपको जितना साइज का चाहिए उस साइज का आप यहाँ से काट सकते हैं। ठीक, आप इसी तरह से धूप बत्ती बहुत आसान तरीके से आप कम पूंजी लगाकर यह बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको कोई जब यहाँ पर रहेगा एक, तो आराम से धीरे धीरे उस पर जाता रहेगा और आप यहाँ से काट लेंगे। आपका धूप बत्ती बहुत बहुत कम पूंजी में आप यह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मशीन, आपको एक नल का पाइप 1 फुट का लेना है, आपको ऐसे ज्वाइंट कर लेना है यहाँ पर ऐसे। ठीक, यहाँ पर ज्वाइंट कर लेना है, और एक लोहे का चद्दर आपको लेना है इतना बड़ा, 1 फुट से थोड़ा बेसी, जिससे यह एडजस्ट हो जाए। 4 होल उस पर लगा लेना है। ठीक, उसे किसी भी मेज पर आप कस देंगे, और आपको एक हैंडल ऐसे बनवा लेना है, बस आप यहाँ पर कसिए, इसे ज्वाइंट करा लीजिए वेल्डिंग से नट को, और यह बोल्ट रहेगा, बोल्ट पर आपको हैंडल लगा। हाँ, आप जो बोल्ट में यह जो आप चद्दर उसमें जो बहुत मजबूत चद्दर आपको नल के पाइप के साइज का ही लेना है, जिससे उसमें वो एडजस्ट हो जाए। ठीक, जैसे दिखाता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए पाइप हो गया, या आप चद्दर इसके साइज का लेंगे जिससे यह उस पर एडजस्ट हो जाए। ठीक, आपको इसी साइज का लेना है। देखिए यह पाइप हो गया, यह आपका लोहे का चद्दर हो गया, तो आपको इतना इसमें लेना है इसी साइज का कि इससे जो रॉ मटेरियल है वापस ना आए, यह दबाव बने तो आगे ही बढ़े। ठीक, और उसे आपको इस पर ज्वाइंट नहीं कराना है, आपको ऐसे कराना है जिससे यह घूमे। इसके लिए आप वो जो कारीगर रहेगा बिल्डिंग वाला जो यह मशीन को बनाएगा, आप जहाँ पर बनवाएंगे मशीन को, होल करेगा जहाँ बिल्डिंग करेगा उस, वह यहाँ पर एक बोल्ट नट लगा देगा, और नट के आगे यह चद्दर फिक्स कर देगा। ठीक, और उसके बाद इसके आगे थोड़ा सा बिल्डिंग कर लेगा, तो यह न अंदर जाएगा न बाहर जाएगा, यह आप घूमता रहेगा। ठीक, इसी तरीके से वो आराम से बना देगा। इसमें आपको बहुत खर्चा नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत मामूली खर्च में यह मशीन तैयार हो जाएगा। और कल मैं एक वीडियो बनाऊँगा
उसमें यह धूप बत्ती का प्रीमिक्स बनाने का तरीका मैं बता दूंगा, ठीक। उसके बाद आप धूप बत्ती बनाइए, इसे थोड़े आपको एक दिन के लिए धूप में सुखा लेना है, उसके बाद आपका यह धूप बत्ती तैयार। देखिए, ठीक, देखिए यहाँ से जितना दबाव बनेगा धूप बत्ती बहुत आराम से बनकर निकलेगा। देखिए देखिए कितना आसान है धूप बत्ती बनाना, ठीक। इसे धूप में थोड़े टाइम के लिए सुखा देना होगा। देखिए देखिए जैसे जब यहाँ पर चद्दर हो जाएगा ज्वाइंट लोहे का, देखिए जब यहाँ से जब दबाव बनेगा, देखिए देखिए ठीक, उसके बाद आप जितना बड़ा धूप बत्ती बनाना चाहते हैं आप साइज यहाँ से आप काट कर इसे उठाकर आप धूप में सुखा देना, ठीक। यह मशीन आप बहुत सस्ता में बना सकते हैं, देखिए, ठीक। यह तो अभी थोड़ा ऐसे टेढ़ा है, जब यह रहेगा बराबर, जब लोहे का यहाँ से चद्दर, जैसे मान लीजिए चद्दर यहाँ तक हो गया जिस पर यह मशीन कसा जाएगा, और फिर इससे उठाकर यहाँ पर सपोर्ट देकर आपको इतना बड़ा, जितना बड़ा आप इसे जैसे जोड़ सकते हैं, 1 फीट 2 फीट, ठीक, 1 फीट आप चद्दर जोड़ेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस काट काट वहाँ पर रखने के लिए भी आसानी रहेगा, ठीक। देखिए आपका ऐसे बनेगा और यहाँ से आप काट कर उसे रख देंगे। मान लीजिए जब यहाँ से यहाँ पर 1 से 1.5 फीट का चद्दर रहेगा तो एक अपना यह हंडिल घुमा रहा है और एक अपना धूपबत्ती, जो धूपबत्ती बन रहा है, काट 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 आप लाइन से उसे रख सकते हैं और उसके बाद उसे धूप में सुखा लेना है, ठीक। समझ में आ गया, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कल यह मैं वीडियो बना दूंगा धूप बत्ती बनाने का प्रीमिक्स, ठीक। अब इसे आप एक दिन के लिए सुखा देंगे, आपका तैयार हो गया, उसके बाद आप इसे पैक कर मार्केट में बहुत आसान तरीके से आसानी से बेच सकते हैं। इसके लिए आपको कोई झंझट नहीं है, न ज्यादा आपको पूंजी लगाना है, न कुछ नहीं लगाना है, ठीक। नमस्कार।